फकीर जिंदा रख। जमीन जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो जिंदगी में फकीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में भले सब कुछ, फिर भी जीतने का हौसला उम्मीद जिंदा बहुत अच्छा लाइन बोला मेरे, मोटिवेशन इधर छोड़ के मत जाना। हम रोज नहाते हैं ना, हेलो, हम रोज नहाते हैं, रोज नहाते हैं हम सब लोग। और बात करता हूँ मैं, हर दिन नहाने से गंदगी दूर हो जाती है, हर दिन नहाने से गंदगी दूर हो जाती है। अगर 8 दिन नहीं नहाएंगे तो बास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मोटिवेशन भी नहाने के जैसा ही है, मोटिवेशन भी सेम वैसा ही है। आज आप मोटिवेशन हो जाओगे, कल जाके आप इस मोटिवेशन की जो विचार है, ये शब्द है, हमेशा हमारे दिमाग के अंदर जिंदा रखना है, हर दिन वो सोच रखना है, तभी जाके आपके अंदर हर दिन हर समय मोटिवेशन रहेगा। मैं जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए देना चाहूंगा। और मैं उस स्टोरी से मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी, योर प्रॉब्लम इज योर स्ट्रेंथ, आपका प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। सर साहब, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान जिस समय पर मैं गिरा था, मुझे याद है मेरे दोनों बच्चे साइड में गिरे थे, 15 फीट ऊंच पर है, मतलब ऊंचाई पर गिर गए थे हम दूर पर। और उस समय मैं बच्चों को देखा, मेरा ध्यान मेरी शरीर की तरफ ही नहीं था, मेरे साथ दो छोटे बच्चे थे, दो किड्स, समृद्धि, ऋषि, मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ था। ऋषि बोला, पापा मुझे नहीं कुछ हुआ, समृद्धि को थोड़ा सा पैर पे लगा था, खरचट लो। तो उसके साथ जब हम अस्पताल में गए, मुझे अस्पताल में ऋषि ने भर्ती कराया, आरती को फोन किया, पापा का एक्सीडेंट हुआ है जल्दी आ जाना। तो ऋषि स्ट्रांग, उसने उसी समय पे भी स्ट्रांग मेंटली इसको किया। और जब अस्पताल में गए और जब एक्सरे सामने आया, एक्सरे जब देखा मैंने, तो पैर की हड्डी टूट गई थी, दो टुकड़ा दिखता है ना, पैर का दो टुकड़ा दिख रहा है एक्सरे के अंदर। और उस समय पे आरती साइड में थी, और जब वो दो टुकड़ा देखा तो अपने आप आरती की आंखों से, और मेरी जिंदगी का पहला सफर था, इस तरह का ऐसा भी हो सकता है, जब दो टुकड़ा हुआ मुझे लगा अभी टांग काटेंगे मेरे, मुझे नहीं मालूम था इसका क्या होने वाला है, अभी पैर तो चला गया। और पूरी तरह से मैं भी रोने लगा, मेरे भी आंखों से आंसू आ रहे, आरती भी रो रही है, अब क्या होगा। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर सवेरा सर आए। और मैं आप बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक सोच होती है ना, सोच वही आपको प्रॉब्लम कर सकती है, वही सोच आपको आपकी पावर बना सकती है। वो सोच उन्होंने मेरे दिमाग में डाली, रो क्यों रहा है, क्या हुआ है तेरे को? सर पैर टूट गया मेरा दो टुकड़ा, फिर क्या हुआ, तेरे को घर लेके जाओ अभी यहां से। नहीं, ये डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है। अरे ऑपरेशन में कुछ नहीं करते, वो साइड में सिर्फ वो पट्टी लगा देंगे, पैर तेरा अपने आप ठीक होगा गैरोडर्मा के साथ, वो तो जुड़ जाएगा, जो टुकड़ा हुआ है ना उसको भी वो जोड़ देगा, तेरे को कुछ नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ ऑपरेशन इसलिए होता है कि वो अलाइनमेंट क्या करते हैं, उसको सीधा कर दे। ये सोच मेरे दिमाग में आया और मैं रिलैक्स हो गया पहले। और एक इसके साथ हुआ मेरे साथ, जिसको प्रॉब्लम मैं सोच रहा था, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता ना सर, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा दर्द नहीं सहा था, उस तरह का दर्द जब ऑपरेशन थिएटर से मुझे वापस लाया गया, मेरी भूल उतर गई पूरी तरह, एनेस्थीसिया चला गया। और उस समय पे जो भूल उतर गई थी, उस समय पे मैं बिल्कुल दर्द से टूट रहा था, मेरे अंदर पूरा शरीर में इतना पेन हो रहा था और आंखों से आंसू, वो एनेस्थीसिया लगा रहे, उधर से फिर वो नीचे हो गया हमारा क्या बोलते स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो सीरीज डाला था, उसके अंदर एनेस्थीसिया डाला जा रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है सर। मैं रो रहा था और एक ही बोल रहा था, डॉक्टर सवेरा को बुलाओ, डॉक्टर सवेरा को बुलाओ, क्योंकि मुझे मालूम था वो ऐसे कुछ लाइने बोलेंगे और मेरा दर्द निकल जाएगा। सोच, आपकी सोच प्रॉब्लम को देखती है या आपकी सोच अपॉर्चुनिटी या उसकी स्ट्रेंथ को देखती है? डॉक्टर सवेरा क्या बोले मालूम है, क्या हुआ तेरे को,
बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। एक सवाल पूछा मुझे, इससे पहले ऐसा दर्द हुआ था तेरे को कभी? इससे पहले मेरे लाइफ में इस तरह का दर्द हुआ था? मैंने ऐसे इनकी तरफ देखा, बिल्कुल नहीं सर, अभी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा। बस जीत गया तू, मैं डरता क्यों है? महाराज मैंने घाबर जाने गए तुला म्हणले केवढं काय घाबरतो म्हणले। अरे तू त्या पेनचा पीक पॉइंट पाहिलास आज? कोणता पॉइंट पाहिलास? अब जिंदगी में कि तेरे को कभी दर्द ही नहीं होगा। दर्द तेरे पीक पॉइंट पे देखा है तुमने आज। अब जब सर दर्द ये कभी होगा ना तेरे को, कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो पीक पॉइंट तुमने देख लिया। क्या किया मैंने? प्रॉब्लम को क्या बना दिया? स्ट्रेंथ बना दिया। प्रॉब्लम को और बड़ी पावर बना दिया। कमजोरी को और बड़ी ताकत बना दिया। और यही सोच, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी अच्छे ही बन जाओगे। मैं जोरदार ताली सगरा सर के लिए देना चाहूंगा। इसी सोच के कारण मैंने बहुत बार एक स्टोरी भी सुनाई थी आपको लास्ट टाइम, हर बार स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। क्या आज तक जितने भी लोग एथलेटिक्स के अंदर आप देखते हो, जब स्टोरी सुनते हैं उनका किसी का टांग खटा हुआ है, कोई अपाइज हो चुका है, और वो भी अपने पूरी तरह से जोश के साथ वो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड करते जा रहे, और वहां पे गिना जाता है कमजोरी क्या बना रहे ताकत। तो मैं क्यों चुप बैठू घर में? मैंने भी शुरू किया था और फिर सोचा, महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ था लोनावला में, वहां पे कर्नाटक से मंजुनाथ पाटकर आए थे, उन्होंने वो लाइव सेशन वाला दिखाया था धूम। अब मेरे पास फील्ड में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कमजोरी को बनाना है ताकत। तो हमने शुरू किया ऑनलाइन जूम, और जूम में अभी कतार का भी लोग आता है, मलेशिया का भी लोग आता है, तब तो पता चलता है कि क्या बड़ी पावर है यार इसके अंदर। सोच ही आपको बड़ी कर देती है। अगर मैं इसी सोच से बैठा कि अभी 6 महीने कुछ नहीं करना है, तो आज मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं, सर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते। और ये की है, हमारी एक प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के अंदर, हम नंबर वन जाना चाहते, कितने लोगों को लगता है? ये सब लो जाना चाहते हैं? ये सब लो क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में। सब लोग ग्रोथ चाहते हैं, सब लोग को 3 गुना 5 गुना इनकम चाहिए। एक चीज को हमें करना पड़ेगा, हम जाके बताएंगे लोग नहीं करेगा, सही मेंटोर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, सही मेंटोर। और यहां पे मैं बता रहा हूं तो जिसके अंदर वो जो अंश जुड़ा हुआ है ना, डीएक्सएन का अंश, वो जो बीज निकलता है वो प्रोफेसर वसुपाल सर से निकलता है, पहला इंडिया का फर्स्ट बीज हर एक व्यक्ति के अंदर वो अंश है डीएक्सएन का। अगर वहां पर उन्होंने शुरुआत नहीं की होती तो आज हम नहीं होते। तो हमें उस मेंटोर को पकड़ना है और उसको फॉलो करना है। तो स्ट्रांगली अगर हम इसको पूरी तरह से काम करेंगे, देखो क्यों महाराष्ट्र ने नहीं बात सुना लेकिन बिहार ने सुना। वो फिगर दिख रहा है किसको? देखो सर, पढ़ सकते इसको पहली लाइन? 2,23,000 22,23,000 क्या लिखा है? ओपनिंग पीवी रिपोर्ट। क्या लिखते वो? ओपनिंग पीवी रिपोर्ट, मतलब 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले एक रिपोर्ट निकलता है बिहार में, उसका नाम है ओपनिंग पीवी रिपोर्ट। लास्ट में बताऊं ओपनिंग पीवी रिपोर्ट क्या बोलते हैं। ओपनिंग पीवी रिपोर्ट में कितना है? 22 लाख पीवी 9 बजे, जब तक ऑफिस खुले ही नहीं है स्टॉक पॉइंट पूरे इंडिया के अंदर, अभी भी शॉप बंद है सारे के सारे, और इनका 22 लाख पीवी रिपोर्ट कैसे? एक ही है उसको पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और लास्ट में हुई है इनका क्लोजिंग का पीवी रिपोर्ट कितना है? ये आपको लगता है 2-3 महीने में हुआ रहेगा? 2 से 3 साल तो लगे होंगे, लेकिन सिस्टम को पकड़ा और सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया, जड़ जड़ तक सिस्टम को लेके गए। और इसलिए एक ही है हमारा, एक ही है, हमें हैबिट को बदलना पड़ेगा। कितने लोग 1 तारीख को सुबह सुबह पीवी करेंगे? यही चेंज आएगा, यही से शुरुआत होना चाहिए। चेंज द हैबिट, चेंज द लाइफ। सब लोग ग्रोथ चाहते हैं, कोई कंपैरिजन इसके अंदर है? देयर इज कंपैरिजन। मार्केट में आपके पास फाउंडर की अगर बात किया जाए, नो कंपैरिजन। प्रोडक्ट अनपैरेलल प्रोडक्ट, कोई कंपैरिजन है? नहीं सर, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन है? नो, कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? स्लो क्यों जा रहे हैं? ग्रोथ ठीक से आगे बढ़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये चक्का जो जाम क्यों होता जा रहा है? महाराष्ट्र नंबर वन चाहिए, महाराष्ट्र नंबर 13 साल जिसने नंबर वन रखा था, क्यों इसको चक्कर इस तरह से बना है? इसका एक ही कारण है, चेंज द आपके बाजू का।